जैसलमेर शहर की SBI मुख्य ब्रांच व SBI शिवरोड शाखा में कार्य करने वाले दो SBI लाइफ इंश्योरेंस के कर्मचारियों ने व्यक्तिगत ऋण लेने वालों के खातों से करीब 12 लाख रुपए का घोटाला कर दिया। जब लोगों को बीमा पॉलिसी नहीं मिली और उनके खाते से प्रीमियम राशि कट गई, तब यह मामला सामने आया। उपभोक्ताओं ने जब बैंक प्रबंधन से इसकी शिकायत की। गौरतलब है कि बैंकों की ओर से दिए जाने वाले व्यक्तिगत ऋण के दौरान SBI लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से उनका बीमा भी किया जाता है। इसके लिए लोन देने के दौरान प्रीमियम राशि का चेक लिया जाता है। सिकंदर व दुर्गेश ने इन्हीं चेकों का दुरुपयोग कर ऋण उपभोक्ताओं के खातों से राशि अपने रिश्तेदारों व दोस्तों के खातों में हस्तांतरित कर ली और बीमा पॉलिसी नहीं करवाई। उपभोक्ताओं को जब बीमा नहीं होने की जानकारी मिली, तब यह मामला सामने आया। सिकंदर उर्फ सतीश व दुर्गेश त्रिपाठी ने प्रीमियम राशि के चेक भरकर अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के खातों में जमा करवा दिए। करीब 12 लाख रुपए का घोटाला किया। SBI बैंक के मैनेजर ने यहाँ हमारे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारी शाखा में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर जो लाइफ इंश्योरेंस का काम करते थे, उनके द्वारा इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से चेक लिए गए और उनको पॉलिसी जारी नहीं हुई, उसके बावजूद भी उनके खाते से चेक से अमाउंट विड्रॉ हो गया है। इस रिपोर्ट पर हमने मुकदमा दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन किया तो जो BDM था सिकंदर रूप सतीश और दुर्गेश त्रिपाठी, इन दोनों के द्वारा ग्राहकों से चीटिंग कर जो नियमानुसार 6 चेक लेने होते हैं उसकी जगह उन्होंने 7 चेक लिए, 6 तो बैंक में जमा करा दिए उन्होंने और 7वां चेक उन्होंने अपने खाते में लगा दिया। इस तरह से उन्होंने 12 लाख की चीटिंग ग्राहकों से की। SBI के मुख्य प्रबंधक की ओर से इस संबंध में पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज करवाया। मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने मुख्य शाखा के BDM सिकंदर उर्फ सतीश व शिव रोड शाखा के BDM दुर्गेश त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। अनुसंधान जारी है, पुलिस अन्य खाता धारकों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार अभी तक 72 चेकों के माध्यम से पैसे गबन करने का मामला सामने आया है। कोतवाली अधिकारी दिरावर सिंह स्थोड़ा ने बताया कि SBI में कार्यरत BDM सिकंदर उर्फ सतीश व दुर्गेश त्रिपाठी ने लाखों रुपए फर्जी तरीके से अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के खातों में हस्तांतरित कर घोटाला किया। मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले का अनुसंधान जारी है।